लाइव हो गया, लाइव ओके इसमें नहीं शुरू हुआ, वेट गाइस लाइव इसमें नहीं हो रहा, नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन प्रियंका, आई एम फाइन। अब आ गया, अब आ गया। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसी हैं आप प्रियंका? 9 and 10 का टॉपिक किया था। ओके हेलो हेलो निशा, नमस्ते नमस्ते सुष्मिता जी, नमस्ते वीएस जी, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रोसोफिला के बारे में, आज हम लोग ड्रोसोफिला शुरू करेंगे। हाँ गुड आफ्टरनून चंद्रकांत जी, गुड गुड आफ्टरनून श्वेता, हेलो हेलो। फेट मैप रह गया था, फेट मैप रह गया था, फेट मैप। देखिए वीएस जी, फेट मैप जो है हर सारे एंड्स में अलग अलग रहेगा, तो अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जैसे एम्फीबिया का जिन भी जो 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 फेट मैप्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एम्फीबिया का हुआ, चिक्स का हुआ, वो सारे हम जब भी जिसकी भी एक्सेस शुरू करेंगे तो अर्ली डेवलपमेंट वाले टॉपिक में फेट मैप्स डिस्कस कर लेंगे। डन। गुड आफ्टरनून जिगिशा, गुड आफ्टरनून दिव्यांशी शर्मा, गुड आफ्टरनून ओएसी सरकार, गुड आफ्टरनून शंकर। चलो तो बात करते हैं जेनेटिक एक्सेस स्पेसिफिकेशन एंड ड्रोसोफिला की। इसमें हम लोग पहले कंटेंट देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल क्या क्या पढ़ना है उस सारी सारे कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऊजेनेसिस के बारे में। हमने पहले भी बोला था कि ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला में एग का एक्टिवेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, एग का एक्टिवेशन हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऊजेनेसिस को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे अर्ली डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला के बारे में। डेवलपमेंट में कौन से डिवीजन साइकिल पर क्या 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 स्पेसिफिक काम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर ड्रोसोफिला बॉडी प्लान पढ़ेंगे और उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न फॉर्मेशन में कौन से जीन्स पहले एक्टिवेट होते हैं, जीन्स की जो हायरार्की होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस स्टैब्लिश हो जाती है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे वो स्पेसिफाई होती है, किस तरीके से वो एक्सेस बनती है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम फाइन सालिम जी, आप बताइए आप कैसे हैं। हाँ बिल्कुल निशा, ये फर्स्ट क्लास है ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अप्रॉक्स 2 से 3 लेक्चर होंगे, ठीक है। ड्रोसोफिला के 2 से 3 लेक्चर होंगे, उसमें हम लोग एक्सेस और जेनेटिक्स के बारे में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस के बारे में बात करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस के बारे में बात करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे जीन्स के बारे में बात करेंगे कि गैप जीन्स कैसे काम करते हैं और जो स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन सारी जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गैप जीन्स हुए, पेयर रूल जीन्स हुआ, सेगमेंट डुअलिटी जीन्स हुए, होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स हुए, कौन से जीन्स कौन से ऑर्गन्स को स्पेसिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके ओके चलिए, हाँ तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में कंटेंट में हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल जीन्स एंड बाइक्वाइड मैनिपुलेशन, जो टर्मिनल जीन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं और वो किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन देते हैं ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के दौरान, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं, बाइक्वाइड मैनिपुलेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अभी हम जब ये सेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो एक सेक्शन सी का क्वेश्चन है और एक सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ऊजेनेसिस के बारे में। गुड इवनिंग विनीता भट्ट, गुड इवनिंग नरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ऊजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे ये लाइन, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
The development of the fruit fly is extremely rapid and its body axes are specified by the factors in the maternal cytoplasm even before the sperm enters in the egg. मतलब स्पर्म एंट्री के पहले का मतलब बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होने लगता है, एक्सेस स्पेसिफाई होने लगती हैं. बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होने लगता है, एक्सेस स्पेसिफाई होने लगती है. एंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोटीन्स एंड एमआरएनए मेड इन मैटरनल नर्व सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ओसाइट सच दैट ईच रीजन ऑफ द एग कंटेन्स डिफरेंट रेशियो ऑफ एंटीरियर पोस्ट एंड पोस्टीरियर प्रोमोटिंग प्रोटीन्स. तो अब ये नर्व सेल्स क्या होता है और कैसे ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेंगी, ये हमको पता चलेंगी ओजेनेसिस. जब हम टाइप ऑफ ओजेनेसिस को पढ़ेंगे तब हमें ये बात पता चलेंगी. अनवर लतीफ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए तो मीटोस्टिक टाइप ओजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि यहां पर क्या होगा, 16 सेल्स का डेवलपमेंट होगा. कितनी सेल्स का डेवलपमेंट होगा, 16 सेल्स का डेवलपमेंट हो गया. और 16 सेल्स, जब ये 16 सेल्स क्या होती है, आपस में कनेक्टेड रहती हैं थ्रू द रिंग कैनाल्स, आपस में कनेक्टेड रहती हैं. और इन 16 सेल्स में से कोई दो सेल्स ऐसी होती हैं जो चारों तरफ से कनेक्टेड रहती हैं. ये इस तरीके से कोई दो सेल्स ऐसी होती हैं, अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखें तो दो सेल्स ऐसी होती हैं जो चारों तरफ से कनेक्टेड रहती हैं. और यही दो सेल्स कैपेबल होती हैं किसके लिए, ओसाइट के फॉर्मेशन के लिए. और इनमें से एक सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है. तो अगर आप लोग ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें तो क्या है ये क्या है, वेट, हाँ ये क्या है, नर्व सेल्स है. उप्स, ऐसे ही बताना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा. ये क्या है, नर्व सेल्स है. और ये क्या है, ओसाइट है. तो जो 16 सेल्स होती है, 16 में से 15 सेल्स नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, 16 सेल्स में से 15 सेल्स नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, वाइल जो एक सेल होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है या एग का फॉर्मेशन करती है. अब ये जो नर्व सेल्स होती हैं, तो ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गई क्या, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स और ये ओसाइट. तो क्या मीटोस्टिक ओजेनेसिस के दौरान क्या बनता है, नर्व सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ओसाइट का फॉर्मेशन होता है. नर्व सेल्स जो होती हैं, दीज आर द एमआरएनए सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री. यहां पर एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, यहां पर क्या होता है, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है. तो नर्व सेल्स में क्या होता है, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है. और ये एमआरएनए कहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओसाइट में. और फिर ये इस ओसाइट में इसका जो भी एक्सेस स्पेसिफाई होनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर, उस जगह पर उस पर्टिकुलर एमआरएनए का लोकलाइजेशन कराया जाता है. एमआरएनए का लोकलाइजेशन के बाद ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनती है उस पर्टिकुलर एक्सेस को स्पेसिफाई करती है. तो नर्व सेल्स में क्या होता है, नर्व सेल्स में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. और ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कहां कर दिया जाता है, ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ओसाइट में. और ओसाइट में क्या होता है, वहां पर ट्रांसलेशन होता है. हाँ ठीक है. अब एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस इस तरीके से स्पेसिफाई हो जाती हैं. मतलब जो भी एक्सेस बनी है, सपोज अगर एंटीरियर एक्सेस बनी है तो एंटीरियर एक्सेस के लिए जो भी प्रोटीन्स की जरूरत है उसके लिए एमआरएनए ट्रांसक्राइब कहाँ होगा, नर्व सेल्स में होगा. और एमआरएनए बनने के बाद ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया जाएगा, ओसाइट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. और वहीं पर क्या होगी, वहां पर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी और वो पर्टिकुलर प्रोटीन क्या करेगी, करने का काम करेगी. तो मीटोस्टिक ओजेनेसिस, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्स आर एक्टिवेटेड प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ओसाइट न्यूक्लियस हैज रिज्यूम्ड मियोटिक डिविजंस, साइटोप्लाज्मिक एमआरएनए बिगिंस ट्रांसलेशन, बाय द टाइम द स्पर्म एंटर्स द एग ऑलरेडी हैज द स्पर्म एंटर्स एन एग दैट इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ एज एन एम्ब्रियो. तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होने लगता है, एक्सेस स्पेसिफाई होने लगती है, एक्सेस स्पेसिफाई होने लगती है. अब जैसे स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या होता है, जहां पर पर्टिकुलर पोजीशन पर, जब सपोज ये रही नर्व सेल्स और ये रहा ओसाइट,
तो यहां पर क्या हुआ, पर्टिकुलर mRNA सिंथेसाइज हुआ और ये RNA कहां ट्रांसलोकेट करा दिया गया, कि कहां ट्रांसपोर्ट करा दिया गया, उस साइट में, और उस साइट में वहां पर क्या बना, इस mRNA का क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। तो इस mRNA का ट्रांसलेशन इनिशिएट तब होता है जब क्या होता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, अब जो भी जीन्स एक्टिवेट होने थे फर्टिलाइजेशन के बाद, जिन्हें एक्सेस स्पेसिफाई हो गई थी, अब एक्सेस बनेंगी ना, तो वो उन mRNA से क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेगी, और वो प्रोटीन्स क्या करेंगी, पर्टिकुलर एक्सेस को स्पेसिफाई करेंगी। अब अगर हम अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है, एग कैसा होता है, एग कैसा होता है ड्रोसोफिला का, सेंट्रल एसिटल। एग कैसा होता है ड्रोसोफिला का, सेंट्रल एसिटल। अंजर लतीफ जी, एग्जाम जब होगा तो पता चल जाएगा, अभी एग्जाम्स की कोई डेट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ चलो, तो जब भी अब एग कैसा होता है, सेंट्रल एसिटल एग होता है, और क्लिवेज कैसा होता है, सुपरफिशियल क्लिवेज होता है। हमने लास्ट टाइम भी बताया था, सुपरफिशियल क्लिवेज होता है, दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और वो सेम साइटोप्लाज्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, नाइन्थ डिवीजन के दौरान अगर हम बात करें, जैसे ही जब क्लिवेज शुरू होता है, जब क्लिवेज स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगते हैं, सुपर, तो नाइन्थ डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग नाइन्थ डिवीजन, फाइव न्यूक्लियाई कहां पहुंचते हैं, टूवर्ड पोस्टीरियर पोल, पोस्टीरियर साइड पर पहुंचते हैं फाइव न्यूक्लियाई, और ये फाइव न्यूक्लियाई यहीं पर पोल प्लाज्म के थ्रू सराउंड होते हैं और पोल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यही पोल सेल्स फ्यूचर में क्या करती हैं, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब इन्हीं से क्या जनरेट होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो ये फाइव पोल सेल्स कब आ जाती है, नाइन डिवीजन के दौरान ही कहां पर आ जाती है, पोस्टीरियर साइड पर आ जाती है और पोल प्लाज्म के थ्रू सराउंड होकर पोल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और यही पोल सेल्स फ्यूचर में गैमीट्स का या जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इन पोल सेल्स को हटा दें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, गैमीट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, जर्म सेल्स नहीं बनेंगी। फिर उसके बाद 10 डिवीजन के दौरान क्या होता है, सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म बनने का मतलब, जितने भी न्यूक्लियाई डिवाइड हुए थे, जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे, वो कहां पहुंचने लगते हैं, कहां पहुंचने लगते हैं, पेरिफेरी पर। ये 10 डिवीजन के दौरान देखो, यहां पर न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, सेंटर में न्यूक्लियस डिवाइड हुए, हाँ, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस कहां पहुंचने लगेंगे, 10 डिवीजन के दौरान ये सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी पर आकर यहां पर इस तरीके से लोकेट होने लगेंगे। जब पेरिफेरी में पहुंच जाते हैं तो किस तरीके का जो ब्लास्टोडर्म होता है वो कैसा होता है, सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म की कंडीशन होती है। कैसी होती है, सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म की कंडीशन होती है, मेनी न्यूक्लियाई विद इन द सेम साइटोप्लाज्म। तो अब इसके बाद क्या होगा, और 10th डिवीजन के दौरान ही क्या होता है, जब ये न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर पहुंचते हैं तो इन न्यूक्लियाई के साथ इनका माइक्रोट्यूबुल्स, इन हर एक न्यूक्लियाई के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स जो कंटेंट होता है वो आकर इनको साउंड कर लेता है। हर एक न्यूक्लियाई होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स होता है इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनर्जेट्स बोलते हैं। इसीलिए 10th डिवीजन के दौरान ये माना जाता है कि किसका फॉर्मेशन होता है, सेलुलर एनर्जेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेलुलर एनर्जेट्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए इनका जितना भी माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल कंटेंट है वो कहाँ आने लगता है, वो इन न्यूक्लियाइज के पास इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से इस न्यूक्लियाइज को जो पेरिफेरी पर पहुंचे हैं उनको सराउंड कर लेता है, और ये न्यूक्लियाइज क्या हो जाते हैं, तभी क्या होता है, सेलुलर एनर्जेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 10th टू फिर उसके बाद 13th डिवीजन के दौरान क्या होता है, 13th डिवीजन के दौरान
ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब मतलब हर एक न्यूक्लियाई किसमें कवर हो जाता है, एक सिंगल लेयर जैकेट में कवर हो जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है द न्यूक्लियाई एंड देयर न्यूक्लियस, जब कौन सा डिवीजन होता है, हाँ, न्यूक्लियस विद इन द सिंसाइटल ब्लास्टोडर्म इज कंटेन्ड विद इट्स ओन लिटिल टेरिटरी ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन। साइटोस्केलेटल प्रोटीन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। व्हेन द न्यूक्लियाई रीच द पेरिफेरी ऑफ द एग ड्यूरिंग द 10th क्लेवेज साइकिल, ईच न्यूक्लियस बिकम्स सराउंडेड बाई माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। द न्यूक्लियाई एंड देयर एसोसिएटेड साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स आर कॉल्ड एज एनर्जिड्स। तो इसी टाइम पर किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जिड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद 13 डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स की एक्टिविटी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन। तो हमें इनवेजिनेशन डिटेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनवेजिनेशन हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। हेलो डॉक्टर अरुण। चलिए अब इनवेजिनेशन के थ्रू दो फेजेस में क्या होता है, ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। पहली फेज क्या होती है, पहली फेज के दौरान क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट फेज ऑफ ब्लास्टोडर्म सेलुलराइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द न्यूक्लियाई टू फॉर्म द फरो कैनल्स एंड दिस प्रोसेस कैन बी इनहिबिटेड बाई ड्रग्स दैट ब्लॉक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर तुम कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर डाल दो इस टाइम पे तो सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो तुम्हें क्या होगा उस टाइम पर, जब सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेलुलराइजेशन हो जाएगा, तो अब तुम्हें एग किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा, मतलब हर एक न्यूक्लियाई एक सिंगल एयर जैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रोफिलामेंट अलोंग विद देयर न्यूक्लियाई, अलोंग विद न्यूक्लियाई, हर न्यूक्लियाई का जितना भी अपना साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स का कंटेंट है उसके साथ उसे क्या बोलते हैं, एनर्जिड्स बोलते हैं। इन्हीं साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स को क्या बोलते हैं, एनर्जिड्स बोलते हैं। तो सेलुलराइजेशन के बाद हर एक न्यूक्लियाई क्या होगा, एक इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखने लगेगा जब सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये न्यूक्लियाई इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे। और किस प्रोसेस के थ्रू होंगे, बाय द इनवेजिनेशन। मतलब इनवेजिनेशन का मतलब यहां पर न्यूक्लियाई पहुंचे, ये दो न्यूक्लियाई हैं तो इनके बीच का जो एरिया रहेगा वो कैसे होने लगेगा, इस तरीके से इनवेजिनेट होने लगेगा। किसके, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की एक्टिविटी के थ्रू। सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाने के बाद अब सारे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एक सिंगल लेयर जैकेट में कवर हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अच्छा एक चीज और, जब भी मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की स्टेज आती है, इन न्यूक्लियाइज के एक्टिव होने के पहले, मतलब बिफोर 11th साइकिल या एट द टाइम ऑफ मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की कंडीशन सभी को पता होगी। इस टाइम पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन का रेट स्लो हो जाता है और न्यूक्लियर डिवीजन का रेट स्लो होने के साथ साथ सेलुलराइजेशन स्लो हो जाता है और बढ़ क्या जा रहा है, न्यू एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। तो अभी तक अर्ली डेवलपमेंट का काम, जब तक मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की स्टेज नहीं आई होती है तब तक अर्ली डेवलपमेंट का काम कौन संभाल रहा होता है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। लेकिन जैसे ही मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की स्टेज आती है तो उस टाइम पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन स्लो हो जा रहा है, सेलुलराइजेशन स्लो हो जाता है और न्यू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन का रेट, यानी कि न्यू जाइगोटिक जीन्स ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ जाता है, नए जाइगोटिक जीन्स ट्रांसक्राइब होने लगते हैं। तो अब
जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो मैटरनल इफेक्ट जीन से किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जाइगोटिक जीन्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन, मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन जो होता है वो कौन सी स्टेज पर होता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन की स्टेज पर होता है। कब होता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन की स्टेज पर। जब तक जाइगोटिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा तब तक अर्ली डेवलपमेंट को, यानी कि बिफोर 11th साइकिल अर्ली डेवलपमेंट के काम को कौन कंट्रोल करेगा, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। लेकिन जैसे ही मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन की स्टेज आती है ये पूरा डेवलपमेंट का काम हैंड ओवर किसको कर दिया जाता है, जाइगोटिक जीन्स को। तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होते हैं अगर हम हायरार्की देखें, तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले एक्टिवेट कौन से होते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। कौन एक्टिवेट होते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। और मैटरनल इफेक्ट जीन्स के बाद कौन एक्टिवेट होते हैं, गैप जीन्स। गैप जीन्स ये जाइगोटिक जीन्स होते हैं, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सेगमेंटेशन जीन्स भी बोलते हैं, सेगमेंटेशन जीन्स। तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, गैप जीन्स, उसके बाद पेयर रूल जीन्स, उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन, और फिर ये तीनों जीन्स मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स को। तो सीरीज क्या चलती है, सीरीज ये चलती है, सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, मैटरनल इफेक्ट जीन्स, मैटरनल इफेक्ट जीन्स। देन उसके बाद कौन एक्टिवेट होंगे, जाइगोटिक जीन्स। जाइगोटिक जीन्स को ही क्या कह रहे हैं, और सेगमेंटेशन जीन। ये सेगमेंटेशन जीन्स तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गैप जीन्स, गैप जीन्स, और दूसरा पेयर रूल जीन्स, तीसरा सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो ये सारे क्या हैं, ये अल्टीमेटली सेगमेंटेशन जीन ही हैं। क्या है, सेगमेंटेशन जीन। गैप जीन किसको एक्टिवेट करेगा, पेयर रूल जीन को, पेयर रूल जीन किसको एक्टिवेट करेगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन को, और ये तीनों मिलकर किसको एक्टिवेट करेंगे, होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स को, होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स को। तो जैसे ही गैप जीन्स एक्टिवेट होने लगेंगे, गैप जीन्स का काम क्या होता है, ब्रॉड सेगमेंट्स का, बॉडी को ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड करना। अल्टीमेटली तीनों के तीनों सेगमेंटेशन जीन है, तो क्या करने का काम करेंगे, सेगमेंट्स के लिए काम करेंगे, सेगमेंट्स को बनाने में काम करेंगे। तो गैप जीन क्या करता है, पूरी की बॉडी, पूरी बॉडी को ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पेयर रूल जीन्स क्या करता है, ये पैरा सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या करता है, ये हर सेगमेंट की पोलैरिटी को स्पेसिफाई करता है। और उसके बाद होमियोटिक सेलेक्टर जीन, जब तीनों होमियोटिक सेलेक्टर को जीन को एक्टिवेट करते हैं, तो ये होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स क्या करते हैं, हाँ तो ये होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स को क्या करते हैं, होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेगमेंट पर पर्टिकुलर कौन सा स्ट्रक्चर हो बनेगा उस पार्ट को स्पेसिफाई करते हैं। तो होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स, अब इन सारे जीन्स के एक्टिवेशन के बेसिस पे क्या होता है, ड्रोसोफिला बॉडी प्लान होता है। कैसे होता है ड्रोसोफिला बॉडी प्लान, मतलब बॉडी जो होती है वो तीन पार्ट्स में, ड्रोसोफिला की जो हेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। 11th साइकिल ऑफ डिवीजन, राघवेंद्र निरंजन, 11th साइकिल ऑफ डिवीजन, हमने कितनी साइकिल बताई, अप्रॉक्स 13 टू 14 साइकिल्स होती हैं डिवीजन के दौरान। तो 11th साइकिल ऑफ डिवीजन की हम बात कर रहे थे। देखिए देखिए, जिसको भी कंफ्यूजन हो एक बार यहां से पढ़ ले, देखिए 11th साइकिल ऑफ डिवीजन, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की स्टेज पे, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जाइगोटिक जीन, जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस अराउंड साइकिल 11 एंड इज ग्रेटली इनहांस एट साइकिल 14। द स्लो डाउन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, सेलुलराइजेशन एंड कॉन्कमिटेंट इंक्रीज इन न्यू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफन रेफर्ड टू एज मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। इट इज एट दिस स्टेज दैट द मैटरनली प्रोवाइडेड एमआरएनए आर डिग्रेडेड एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू द जाइगोट्स
own genome, such a maternal to zygotic transition is seen in the embryos of numerous vertebrates and invertebrates phyla. अभी क्लियर है राघवेंद्र निरंजन? डन? ओके, हाँ बता रहे हैं तो मैटरनली मैटरनल क्या लिखा हुआ है, ड्रोसोफिला इज डायरेक्टेड बाय प्रोटीन्स एंड एमआरएन इज प्लेस्ड इनटू द एग ड्यूरिंग ओजेनेसिस बिफोर फर्टिलाइजेशन. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मदर जीन्स, नॉट द जीन्स ऑफ द एम्ब्रियोज ओन न्यूक्लियाई. अभी तक क्या हुआ है, जाइगोटिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हुआ है. सच जीन्स दैट आर एक्टिव इन द मदर टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज मैटरनल इफेक्ट जीन्स एंड द एमआरएन इन द ओसाइट्स आर ऑफन टू रिफर्ड एज मैटरनल मैसेजेस. तो ये सारा काम कब होता है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के टाइम पर. तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है कौन, मैटरनल इफेक्ट जीन्स. और मैटरनल इफेक्ट जीन्स के बाद जब जाइगोटिक मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज में जब जाइगोटिक जीन्स बन जाते हैं तो उनका क्या होता है, अब जितना भी मैटरनल इफेक्ट जीन्स का काम था वो किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जाइगोटिक जीन्स को. अब जाइगोटिक जीन्स में ये सारे जीन्स आ जाते हैं, गैप जीन्स आ जाता है, पेयर रूल जीन्स आ जाता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आ जाते हैं और होम्योटिक सिलेक्ट जीन्स आ जाते हैं. तो ये सारे तब एक्टिवेट होंगे जब सारा काम किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जाइगोटिक जीन्स को. डन? क्लियर है मोहम्मद? क्लियर है? हाँ. बट मैटरनल एंड जाइगोटिक जीन में एमबीटी ट्रांजिशन, बट ठीक है चलो. अब हाँ, तो अब उसके बाद क्या होगा, इन जीन्स के एक्टिवेशन के बेसिस पे ड्रोसोफिला की जो बॉडी प्लान होती है, ड्रोसोफिला की बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन. हेड में, हेड के पास क्या होते हैं, आईज होते हैं, एंटीना होते हैं. थोरेक्स में तीन प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. T1 इज प्रोथोरेक्स, T2 इज मीजोथोरेक्स, 3 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं एंड 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं. कितने सेगमेंट होते हैं, 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं. तो ये जो 3 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. प्रोथोरेक्स के पास क्या होता है, प्रोथोरेक्स के पास 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. अभी हम बताएंगे कौन से जीन इन सब स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. 1 पेयर ऑफ लेग्स किसके पास होते हैं, प्रोथोरेक्स के पास, यानी कि फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट के पास. सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट यानी कि मीजोथोरेक्स के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स. 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स. अब फिर उसके बाद मेटाथोरेक्स आता है, यानी कि T3, थर्ड थोरेसिक सेगमेंट. इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ हॉल्टेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं. तो तीनों के तीनों थोरेसिक सेगमेंट्स के पास, T1 के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स, T2 के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स, एंड मेटाथोरेक्स के पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ हॉल्टेयर्स, जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं. हाँ, अभी उन सारी चीजों को बात कर रहे हैं, अभी हम जाइगोटिक जीन्स में जब आते हैं श्वेता, हाँ तब हम उसकी बात करते हैं. चलो हाँ, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बिफोर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफाई होती है, उसके बारे में बात करते हैं. डन? बिफोर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किस तरीके से स्पेसिफाई होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसा, क्या होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये नर्व सेल्स, ये स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इन नर्व सेल से क्या रिलीज होता है, गुरकेन एमआरएनए सिंथेसाइज होता है. कौन सा एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, गुरकेन एमआरएनए. हम लोग डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के टाइम पर भी गुरकेन के बारे में पढ़ेंगे. तो इन नर्व सेल से क्या सिंथेसाइज होता है, गुरकेन एमआरएनए सिंथेसाइज होता है. हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का स्पेसिफिकेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ ओजेनेसिस.
तो डर सेल से क्या बना, गुर्के नमारे ने बना। अब ये गुर्के नमारे ने कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ऊ साइट में। कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ऊ साइट में। तो ऊ साइट न्यूक्लियस जो होगा इस गुर्के नमारे ने को रिसीव करेगा और कहां पर रिलीज करा देगा, गुर्के नमारे ने को रिलीज करा देगा अपने और टर्मिनल फॉलिकल सेल्स। ये सारी जो सेल्स हैं, ये जो है ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। कैसी है, फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो ये टर्मिनल फॉलिकल सेल्स अपने और टर्मिनल फॉलिकल सेल्स के बीच में रिलीज करा देगा, किसको, गुर्के नमारे को। अब गुर्के नमारे एमआरएनए का ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। तो अब गुर्के एमआरएनए से क्या बन गई, गुर्केन प्रोटीन बन गई। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है क्या है, गुर्केन प्रोटीन। और इन टर्मिनल फॉलिकल सेल्स पर इन गुर्केन प्रोटीन्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं टॉर्पीडो रिसेप्टर। गुर्केन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो रिसेप्टर्स। तो ये गुर्केन, जैसे ही गुर्केन प्रोटीन गुर्केन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, गुर्केन प्रोटीन गुर्केन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, ये टर्मिनल फॉलिकल सेल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स में। पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लोग बताइए, गुर्केन और टॉर्पीडो कैसी प्रोटीन है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स है या जायगोटिक जीन्स है, बताइए। गुर्केन एंड टॉर्पीडो, थैंक यू डॉक्टर अरुण, थैंक यू सो मच, बताइए। गुर्केन और टॉर्पीडो मैटरनल इफेक्ट जीन्स है या जायगोटिक जीन्स है, आप लोग बताइए, बताइए। अगर जायगोटिक जीन्स और मैटरनल इफेक्ट जीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैटरनल इफेक्ट जीन्स, बिल्कुल 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 सही, साइलेंट शिफ्ट, बिल्कुल। गुर्केन और टॉर्पीडो कैसे है, मैटरनल इफेक्ट जीन्स है। अगर ये मैटरनली डेफिशिएंट होंगे तो जायगोट में भी ये प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जीन्स हमको नहीं मिलेंगे और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पेसिफाई नहीं हो पाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया है टॉर्पीडो और गुर्केन से रिलेटेड, कि ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं और या जायगोटिक जीन्स होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से अगर इनमें अगर मैटरनली डेफिशिएंट है तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गुर्केन और टॉर्पीडो कैसे होते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं। तो जैसे ही गुर्केन प्रोटीन गुर्केन रिसेप्टर से यानी कि टॉर्पीडो रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ये टर्मिनल फॉलिकल सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स में। जैसे ही ये पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हुई, ये देखिए अब इनका कलर चेंज हो गया, पर्पल कलर की दिख रही, तो ये क्या है, पोस्टीरियर फॉलिकल्स। ये बैक सिग्नल देती है किसको, ऊ साइट को। ये पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स बैक सिग्नल देती है किसके एक्टिवेशन के थ्रू, बाय द एक्टिवेशन ऑफ पीकेए। प्रोटीन एक्टिवेट करती है किसको, पीकेए को, और पीकेए इस साइटोप्लाज्म में रिक्रूट कराती है पार वन प्रोटीन को। दिस पार वन प्रोटीन एक्ट एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन। वो क्या करती है, उस साइट में माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। कौन, पार वन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का, हमने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती है वो क्या करती है, पर्टिकुलर प्रोटीन्स को कैरी करने का काम करती है। मैप्स के बारे में बात करती, दो टाइप्स की मैप्स बताई थी, डायनिन और काइनेसिन। तो जब पार वन प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज कर देती है, ये पॉजिटिव एंड है, ग्रोइंग एंड है, और ये ऐसा है नॉन ग्रोइंग एंड है, नेगेटिव एंड है। तो दो टाइप की प्रोटीन होती है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन, डायनिन एंड काइनेसिन। डायनिन कैसी होती है, माइनस डायरेक्टेड प्रोटीन होती है, मतलब ये जिस भी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी उसे किधर ले जाएगी, नेगेटिव एंड की तरफ। वाइल काइनेसिन कैसी होती है, प्लस डायरेक्टेड प्रोटीन होती है, मतलब ये जिस भी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी उसको किधर ले जाएगी, प्लस एंड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ। ओके ओके, चलिए हाँ, तो बिल्कुल, थैंक यू मोहम्मद दानिश। अब देखिए कौन कौन सी प्रोटीन्स यहां पर होती हैं। तो ये क्या हो गई, ये एंटीरियर साइड हो गई, और ये कैसी हो गई, ये पोस्टीरियर साइड हो गई। डायनिन का काम क्या होता है,
डाइनिन का काम होता है बाइक्वाइड से बाइंड करना और उसे लोकलाइज करवा देना। डाइनिन का काम क्या होता है, डाइनिन माइनस डायरेक्टेड प्रोटीन है और माइनस किधर मिल रहा है हमको, एंटीरियर साइड पर मिल रहा है, और बाइक्वाइड क्या करता है, एंटीरियर एक्सिस को स्पेसिफाई करता है। तो डाइनिन का काम क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइक्वाइड एमआरएनए जो नर सेल से आया है, जो बाइक्वाइड एमआरएनए, उस बाइक्वाइड एमआरएनए के साथ कौन बाइंड करेगी, डाइनिन प्रोटीन बाइंड करेगी और उसे कहां पर लोकलाइज करा देगी, नेगेटिव एंड पर या उस साइड के एंटीरियर साइड पर। वाइल दूसरी तरफ क्या करेगी, दूसरी तरफ काइनेसिन जो प्लस डायरेक्टेड प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड करेगी, वो ऑस्कर के साथ बाइंड करेगी, ऑस्कर एमआरएनए के साथ बाइंड करेगी, और ये ऑस्कर एमआरएनए कहां पहुंचेगा और उस ऑस्कर एमआरएनए से क्या बनेगी, ऑस्कर प्रोटीन बनेगी। और ऑस्कर प्रोटीन का काम क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पर नैनोज एमआरएनए जिसके साथ स्मॉग एंड कप कॉम्प्लेक्स बाइंड रहता है, जिसकी वजह से ये इनबिट रहता है। तो ऑस्कर एमआरएनए से जैसे ही पोस्टीरियर साइड पर ऑस्कर प्रोटीन बनती है, ये ऑस्कर प्रोटीन क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर देती है और नैनोज एमआरएनए को फ्री करवा देती है, और नैनोज एमआरएनए कहां लोकलाइज हो जाता है, टू साइड के पोस्टीरियर साइड पर। देखिए इस तरीके से तो बाइक्वाइड डाइनिन क्या करती है, बाइक्वाइड को कहां पहुंचा देती है, नेगेटिव एंड पर यानी कि एंटीरियर साइड पर बाइक्वाइड एमआरएनए का लोकलाइजेशन करा देती है, और नैनोज एमआरएनए का लोकलाइजेशन करवाने में ऑस्कर हेल्प करता है। काइनेसिन का काम क्या होता है, ऑस्कर एमआरएनए पोस्टीरियर साइड पर पहुंचाना, और ऑस्कर क्या करता है, नैनोज एमआरएनए को फ्री करवाता है और पोस्टीरियर साइड पर लोकलाइज करवा देता है। तो हमने बताया था लोकलाइजेशन का काम तो हो गया, अब क्या होगा, अब ट्रांसलेशन होगा, लेकिन अब ट्रांसलेशन कब होगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो बाइक्वाइड एमआरएनए का लोकलाइजेशन हो गया, नैनोज एमआरएनए का लोकलाइजेशन हो गया, डन। ये बात सभी को क्लियर है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन यस नेगेटिव डायरेक्टेड प्रोटीन होती है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन किस तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड होती है, ये पार्ट सभी को क्लियर है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, बाइक्वाइड एमआरएनए का लोकलाइजेशन हो गया और नैनोज एमआरएनए का लोकलाइजेशन हो गया। अब ये माइक्रोपाइल, इसके थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी वैसे ही बाइक्वाइड एमआरएनए के लोकलाइजेशन में कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती है। जब बाइक्वाइड एमआरएनए रिलीज होता है, जब बाइक्वाइड एमआरएनए को डाइनिन प्रोटीन कहां बचाती है, एंटीरियर साइड पर, तो उसके लोकलाइजेशन में कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। देखिए यहां पर देखिए बाइक्वाइड एमआरएनए के लोकलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है, बाइक्वाइड एमआरएनए के लोकलाइजेशन में एक्सियोपेरेंसिया एंड स्वेलो, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सियोपेरेंसिया एंड स्वेलो, ये दोनों प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है किसमें, बाइक्वाइड एमआरएनए के लोकलाइजेशन में, एंकर्स बाइक्वाइड एमआरएनए, मतलब डाइनिन प्रोटीन ने नेगेटिव साइड पर बाइक्वाइड एमआरएनए को छोड़ दिया, अब वहां पर इनसे कौन बाइंड रहेगा, इनको लोकलाइज करा के उस साइड पर कौन रखेगा, एक्सियोपेरेंसिया एंड स्वेलो, एक्सियोपेरेंसिया एंड स्वेलो। और जैसे ही क्या होगा, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी तो एक्सियोपेरेंसिया और सेलो क्या करेंगी, लोकलाइजेशन का काम करेंगी, और जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनेगी, बाइक्वाइड एमआरएनए के ट्रांसलेशन से क्या बनेगी, बाइक्वाइड प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, बाइक्वाइड प्रोटीन बनेगी। बाइक्वाइड ग्रोजन एंड स्टोफिन, ये तीनों प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है किसमें, ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन के दौरान। और जैसे ही बाइक्वाइड एमआरएनए से बाइक्वाइड प्रोटीन बन जाएगी, अब क्या होगा, अब बाइक्वाइड प्रोटीन के दो फंक्शन, पहला एंटीरियर साइड पर एंटीरियर गैप चीज को एक्टिवेट करना,
एंटीरियर गैप जींस को एक्टिवेट करना एंड लाइक हंचबैक, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स को स्पेसिफाई करना हेड एंड थोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स एंड एंटीरियर साइड पर कॉडल एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना, एंटीरियर साइड पर कॉडल एमआरएनए ट्रांसलेशन को क्या कर देना, इनहिबिट करना। तो बाइक्वाइट प्रोटीन के दो काम होते हैं, पहला एंटीरियर गैप जीन्स लाइक हंचबैक को एक्टिवेट करना और एंटीरियर स्ट्रक्चर हेड एंड थोरेक्स को बनाने का काम करना और एंटीरियर साइड पर कॉडल एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना। दूसरी तरफ नैनोज एमआरएनए का काम क्या होता है, नैनोज एमआरएनए की लोकलाइजेशन में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है लोकलाइजेशन में, देखो क्या लिखा हुआ है, बासा, वास्कर, वेलोइज, ये सब क्या करती है, लोकलाइजेशन कराती है। ट्यूडोर, ये सारी प्रोटीन नैनोज एमआरएनए का लोकलाइजेशन कराती है, मतलब वहां पर उसे बाउंड रखती है जब तक ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ऑस्कर इन्वॉल्व होती है ट्रांसलेशन प्रोटीन में, किसमें, ट्रांसलेशन में। तो जैसे ही नैनोज एमआरएनए से क्या बनेगी, नैनोज प्रोटीन बनेगी, नैनोज प्रोटीन के भी दो फंक्शन। नैनोज प्रोटीन क्या करेगी, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को स्पेसिफाई करेगी, यानी कि एब्डोमेन रीजन को बाय द एक्टिवेशन ऑफ कॉडल एमआरएनए ट्रांसलेशन, कॉडल प्रोटीन एमआरएनए का ट्रांसलेशन एक्टिवेट कराएगी, किधर, पोस्टीरियर साइड पर, और पोस्टीरियर साइड पर इनहिबिट किसको कर देगी, हंचबैक को, किसको इनहिबिट कर देगी, हंचबैक को। तो ये वाला ग्राफ देखिए, ये तो बिफोर फर्टिलाइजेशन हमको किस तरीके से दिखेगा ग्राफ, इस तरीके से दिखेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बाइक्वाइड एमआरएनए एंटीरियर साइड पर दिखा है और नैनोज एमआरएनए पोस्टीरियर साइड पर दिखा है, लेकिन कॉडल और हंचबैक पूरे में फैले हुए हैं। ध्यान से देखिए, कॉडल और हंचबैक एमआरएनए पूरे में फैले हुए हैं। जैसे ही एसफॉर्म की एंट्री हुई, क्या लिखा हुआ है, अर्ली क्लेवेज एम्ब्रियो प्रोटीन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, एंटीरियर साइड पर बाइक्वाइट एमआरएनए से क्या बन जाएगी, बाइक्वाइट प्रोटीन बन जाएगी और बाइक्वाइट प्रोटीन एंटीरियर साइड पर किसको प्रोटेक्ट कर, हंचबैक एमआरएनए को, और उसका ट्रांसलेशन करवाएगी, प्रोटीन बनेगी और एंटीरियर हेड स्ट्रक्चर स्पेसिफाई हो जाएंगे। व्हाइल इनहिबिट किसको करेगी, देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है इस ग्राफ में, कॉडल एमआरएनए का ग्राफ एंटीरियर साइड पर क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, मतलब ट्रांसलेशन को एंटीरियर साइड पर इनहिबिट कराने का काम करेगी। डन। अब इसी तरीके से पोस्टीरियर साइड पर देखिए, नैनोस का कंसंट्रेशन मिल रहा है और नैनोस क्या करती है, कॉडल एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, व्हाइल पोस्टीरियर साइड पर हमें किसका ग्राफ नीचे दिख रहा है, हंचबैक का और बाइक्वाइड का। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, कि एंटीरियर एक्सेस को स्पेसिफाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंटीरियर एक्सेस के लिए बाइक्वाइड एंड हंचबैक और पोस्टीरियर, मतलब और ये क्या बनाएंगे, हेड एंड थोरेक्स। व्हाइल पोस्टीरियर एक्सेस के लिए किसकी जरूरत रहेगी, हमको पोस्टीरियर एक्सेस के लिए किसकी जरूरत रहेगी, नैनोस की, नैनोस प्लस कॉडल, और ये क्या करेंगे, एब्डोमेन को स्पेसिफाई करेंगे, किसको स्पेसिफाई करेंगे, एब्डोमेन को स्पेसिफाई करेंगे। तो ये बात हो गई किसकी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फॉर्मेशन की, यस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फॉर्मेशन की बाय द एक्टिवेशन ऑफ बाइक्वाइड एंड नैनोस जीन्स, अब बात करेंगे किसकी, टर्मिनल्स की, टर्मिनल एक्सेस कैसे बनती है, तो टर्मिनल्स पर क्या मिलते हैं, टॉर्सो लाइक प्रोटीन्स मिलती है। कब मिलती है, कंप्लीशन ऑफ ओजेनेसिस हमें क्या मिलेगी, टॉर्सो लाइक प्रोटीन, और ये टॉर्सो लाइक प्रोटीन
जब अकेले फंक्शन करती है तो टेलसन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जब इस टॉर्सोलाइक प्रोटीन को क्या मिल जाता है, जब इस टॉर्सोलाइक प्रोटीन को क्या मिल जाता है, बाइक्वाइड का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, और बाइक्वाइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, टर्मिनल्स पर क्या मिलती है, टॉर्सो प्रोटीन। तो टॉर्सो जब अकेले फंक्शन करती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, टेलसन का। लेकिन अगर टॉर्सो को बाइक्वाइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो उस केस में क्या बन जाता है, एक्रॉन बन जाता है। तो एंटीरियर साइड पर क्या मिलता है, बाइक्वाइड मिलता है, मतलब एंटीरियर साइड पर टॉर्सो को बाइक्वाइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो एंटीरियर टर्मिनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक्रॉन होते हैं, और पोस्टीरियर साइड पर बाइक्वाइड प्रेजेंट नहीं होता है, तो पोस्टीरियर साइड पर टॉर्सो अकेले फंक्शन करेगा और पोस्टीरियर साइड पर क्या बनेगा, टेलसन बनेगा। क्या बनेगा, टेलसन बनेगा। और ये टॉर्सो प्रोटीन जो अपना फंक्शन करती है वो किसके थ्रू करती है, मैप काइनेज कैस्केड के एक्टिवेशन के थ्रू करती है। किसके एक्टिवेशन के थ्रू करती है, मैप काइनेज कैस्केड के एक्टिवेशन के थ्रू करती है। चलो अब बात करते हैं किसकी, बाइक्वाइड हाँ चलो बाइक्वाइड एंड बाइक्वाइड डेफिशिएंसी। तो हमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉर्मल जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, सबसे पहले एक्रॉन मिलेगा, देन उसके बाद हेड, फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमेन, और फिर टेलसन। क्या मिलेगा, बाइक्वाइड एंड नैनोज मैटर्नल जीन्स हैं या जाइगोटिक, मैटर्नल नॉट जाइगोटिक, मैटर्नल जीन्स हैं बाइक्वाइड और नैनोज। जो भी मैटर्नल टाइम पर प्रेजेंट है वो कैसा है, मैटर्नल जीन्स है। डन, इतना सभी को क्लियर है, हाँ पूनम, मैटर्नल जीन्स हैं। चलिए चलिए, तो बाइक्वाइड हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी, बाइक्वाइड एक्ट एज अ मॉर्फोजन। तो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट में हमने बताया था कि ड्रोसोफिला की जो बाइक्वाइड प्रोटीन होती है वो कैसे काम करती है, मॉर्फोजन, मतलब जहां पर भी बाइक्वाइड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वहां किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पर हेड बनेगा, और जहां पर इंटरमीडिएट लेवल होगा कॉन्सेंट्रेशन का, देखिए देखिए जहां पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या बनेगा, वो हेड बनेगा, हेड, और जहां पर भी इंटरमीडिएट लेवल होगा वहां पर थोरेक्स बनेगा, और जहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, हाई टू लो, जहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी वहां क्या बनेगा, एब्डोमेन बनेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट की तरीके से काम करता है, कौन, बाइक्वाइड। बाइक्वाइड कैसा काम करेगा, मॉर्फोजेनेटिक, ये देखो ग्रेडियंट ऑफ बाइक्वाइड प्रोटीन। तो बाइक्वाइड किस तरीके से काम करेगा, एक्ट एज अ मॉर्फोजन, मतलब अगर तुम बाइक्वाइड हटा दो, बाइक्वाइड को रिमूव करो, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर तुम्हें क्या मिल रहा है, वाइल्ड टाइप अगर तुम एम्ब्रियो देखो तो सबसे पहले क्या मिलेगा, एक्रॉन, क्या मिलेगा, एक्रॉन, देन उसके बाद हेड, देन थोरेक्स, देन एब्डोमेन, और देन एब्डोमेन, और उसके बाद टेलसन। ये तुम्हें वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसमें से बाइक्वाइड म्यूटेट करा लो, अगर बाइक्वाइड को म्यूटेट करा दो, बाइक्वाइड डेफिशिएंट करा दो, तो अब क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें, अब क्या स्ट्रक्चर मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, एक्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए, बताना शुरू करिए, एक्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नहीं मिलेगा बताइए, बताइए एनू टेलर जी, एक्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यस बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए चलिए देखिए, एक्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बाइक्वाइड नहीं है, और एक्रॉन बनाने के लिए टॉर्सो को क्या चाहिए होती है, टॉर्सो प्रोटीन को बाइक्वाइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। तो जब बाइक्वाइड ही म्यूटेट हो गया तो एक्रॉन नहीं बनेगा, तो टर्मिनल्स पर दोनों साइड क्या बनेंगे, टेलसन बनेंगे, यानी कि टू टेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, टेलसन मिलेंगे, ठीक है। और अब बाइक्वाइड नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, हेड नहीं बनेगा और थोरेक्स नहीं बनेगा, बनेगा क्या, एब्डोमेन। तो पूरे में क्या मिल जाएगा, एब्डोमेन।
तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल टेल्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेल्शन मिलेगा, टू टेल्ड ऑर्गेनिज्म बनेगा। और अगर नैनोस को डेफिशिएंट कर दो, अगर इसी एम्ब्रियो में नैनोस को डेफिशिएंट कर दो तो बताओ कैसा एम्ब्रियो मिलेगा। अगर इसी में नैनोस को डेफिशिएंट कर दो तो उस केस में क्या होगा, एक्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए। एक्रॉन हेड थोरेक्स ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्रॉन हेड थोरेक्स, यस। अब टू हेडेड ऑर्गन, एक्रॉन हेड थोरेक्स, नैनोस है नहीं तो क्या नहीं मिलेगा? एब्डोमेन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? टेल्सन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेल्सन मिलेगा। देखिए अगर नैनोस डेफिशिएंट है, अगर एम्ब्रियो नैनोस डेफिशिएंट है तो हमको एक्रॉन मिलेगा, हेड मिलेगा, थोरेक्स मिलेगा और टेल्सन मिलेगा। डन क्लियर है? टू हेडेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा आशना, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा आशना गुप्ता, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा हमें, एब्डोमेन नहीं मिलेगा। जब भी अगर हम सिर्फ नैनोस डेफिशिएंट की बात कर रहे हैं, नैनोस डेफिशिएंट अगर हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा? एक्रॉन मिलेगा, हेड मिलेगा, थोरेक्स मिलेगा और टेल्सन मिलेगा, एब्डोमेन नहीं मिलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, टू हेडेड नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि निंदा, बिल्कुल। चलिए अब बाइक्वाइड के मैनिपुलेशंस देखते हैं। अब बाइक्वाइड के मैनिपुलेशंस की बात करते हैं, तो मैनिपुलेशंस का मतलब अब हम बाइक्वाइड बाहर से इंजेक्ट कराएंगे तो वो कंडीशन क्या होगी। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, एड टू एंटीरियर एंड ऑफ म्यूटेंट, मतलब एम्ब्रियो कैसा है, बाइक्वाइड डेफिशिएंट है। एम्ब्रियो कैसा है, बाइक्वाइड डेफिशिएंट है, मतलब अगर बाइक्वाइड डेफिशिएंट बोला है तो तुम लोग नैनोज मान के नहीं चलोगे, बाइक्वाइड मान के चलोगे कि बाइक्वाइड नहीं है, नैनोज है। तो बाइक्वाइड डेफिशिएंट नहीं है और तुमने क्या किया, एंटीरियर साइड पर बाइक्वाइड डाल दिया, तो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर तुमने एंटीरियर साइड पर बाइक्वाइड डाल दिया तो टॉर्सो को क्या मिल गया, टॉर्सो को बाइक्वाइड मिल गया, एक्रॉन बन गया, हेड मिल गया, हेड बन गया, थोरेक्स बन गया और एब्डोमेन था ही क्योंकि नैनोस प्रेजेंट था, और लास्ट में क्या बन गया, टेल्सन बन गया। तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया अगर तुमने बाइक्वाइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो को एंटीरियर साइड पर बाइक्वाइड दे दिया। क्लियर है? इंजेक्टेड, यस यस साइलेंट शिव, बिल्कुल। अगर आर्टिफिशियली आप इंजेक्ट करते हैं पोस्टीरियर साइड पर तब टू हेडेड ऑर्गेनिज्म की कंडीशन होती है। वो कंडीशन जो आपने बोली वो नैनोस डेफिशिएंट की कंडीशन है, वहां टू हेडेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाइक्वाइड डेफिशिएंट की कंडीशन में आपको टू टेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, क्यों? क्योंकि टॉर्सो तो दोनों टर्मिनल पर भी एक्टिवेट रहता है ना, एंटीरियर टर्मिनल पर भी और पोस्टीरियर टर्मिनल पर भी। तो अगर बाइक्वाइड नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों साइड क्या बना लेगा, टेल बना लेगा। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन नैनोस डेफिशिएंट में डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं किसकी, मिडिल म्यूटेंट की। अगर बाइक्वाइड डेफिशिएंट है, अगर बाइक्वाइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है और तुमने उसके मिड में एंटीरियर में डालकर मिड में तुमने क्या डाल दिया, बाइक्वाइड डाल दिया, तो जहां पर भी बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई वहां क्या बन गया, हेड मिल बन गया। जैसे जैसे बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई क्या बन, बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होती गई वहां पर क्या बनता गया, थोरेक्स बनता गया। देखिए मिडिल में डाला है, टर्मिनल्स पे तो डाला नहीं है, यानी कि एंटीरियर साइड पर टॉर्सो को क्या नहीं मिला, बाइक्वाइड नहीं मिला, तो वो क्या बनाएगा, बाय डिफॉल्ट टेल्सन ही बनाएगा, क्योंकि तुमने मिडिल में बाइक्वाइड डाला था और टॉर्सो को एक्रॉन बनाने के लिए बाइक्वाइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जबकि डिफ्यूजन के बाद हेड हाई कॉन्सेंट्रेशन तुमने जहां डाला वहां तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। जैसे जैसे बाइक्वाइड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम कॉन्सेंट्रेशन पे टॉर्सो कभी भी बाइक्वाइड के साथ एक्रॉन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो तुमने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, जब बाइक्वाइड को बीच में डाला तो हेड बीच में आ गया,
थोरेक्स बन गया दोनों साइड में, नैनोस था तो एब्डोमेन, और दोनों साइड पर क्या बन गया, टेलसन बन गया। तो कैसा ऑर्गेनिज्म मिल गया, टू टेल्ड ऑर्गेनिज्म मिल गया। क्या बन गया, टू टेल्ड ऑर्गेनिज्म। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। चलिए आप लोगों को समझ में आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हमने वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो लिया है। वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो का मतलब, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो का मतलब देखिए, वेट वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो का मतलब हमें एंटीरियर पे एक्न हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेलसन नॉर्मल स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब बाइक्वाइड भी है और नैनोज भी है। अब वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में जब पोस्टीरियर साइड पर तुमने क्या डाल दिया, बाइक्वाइड को इंजेक्ट करा दिया, तो पोस्टीरियर साइड पर बाइक्वाइड को इंजेक्ट कराया, टर्मिनल्स पर क्या प्रेजेंट थी, टॉर्सो प्रेजेंट थी। तो जैसे ही तुमने बाइक्वाइड डाला, वो टॉर्सो किसमें कन्वर्ट हो गई, उसने टॉर्सो ने क्या बना दिया, टेलसन की बजाय एक्रॉन बना दिया, क्योंकि बाइक्वाइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन में गई, और क्या बनने लगा, हेड बनने लगा। इधर नॉर्मली प्रेजेंट ही था, एब्डोमेन कहां पर आ गया, बीच में आ गया। अब ये कंडीशन इसकी होती है टू हेडेड ऑर्गेनिज्म की, ये कंडीशन ऐसी होती है टू हेडेड ऑर्गेनिज्म की। कैसी कंडीशन होती है, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। थर्ड इमेज में मिडिल में एब्डोमेन कैसे बता रहे, वेट मेंशन अभी बता रहे। थर्ड देखो, जब भी तुमने वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो लिया, जब तुमने वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो लिया, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो के केस में बाइक्वाइड और नैनोस तुम्हें दोनों मिलेंगे, मतलब एक्रॉन भी बन रहा है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेलसन, मतलब यहां पर तुमको बाइक्वाइड मिल रहा है और एब्डोमेन से टेलसन में लेकर तुम्हें क्या मिल रहा है, नैनोस मिल रहा है। देन अब तुमने इसके पोस्टीरियर साइड में, यानी कि यहां जहां नैनोस का एक्सप्रेशन मिल रहा था, तुमने वहां पर क्या डाल दिया, बाइक्वाइड को इंजेक्ट करा दिया। तो टॉर्सो को जैसे ही बाइक्वाइड मिला, टॉर्सो ने ये पार्ट क्या कर दिया, इस पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हेड बना, फिर उसके बाद थोरेक्स बना, और जो एब्डोमेन बना हुआ था वो कहां आ गया, वो बीच में आ गया। वो एब्डोमेन कहां आ गया, बीच में। तुमने एंटीरियर साइड पर तो बाइक्वाइड प्रेजेंट ही था, पोस्टीरियर साइड पर भी बाइक्वाइड दे दिया, तो वही काम होने लगा जो नॉर्मली डेवलपमेंट जो बाइक्वाइड काम करता है। तो उसकी वजह से एब्डोमेन कहां पर आ गया, बीच में आ गया, और ये कंडीशन कैसी हो गई, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। डन, क्लियर है, अभी क्लियर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अरुण, आप कॉल करिएगा त्र्यंबक पे, तो वहां पर हाँ, त्र्यंबक की साइट पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करिएगा तो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इससे बाइक्वाइट मैनिपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। बिफोर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे स्पेसिफाई होता है, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ये अभी नया पार्ट है, पूछा जा सकता है CSIR में, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए, थ्री एम्ब्रियोज एक्स इज वाइल्ड टाइप, वाई इज म्यूटेंट फॉर बाइक्वाइड एंड जेड इज म्यूटेंट फॉर नैनोज, वर इंजेक्टेड विद बाइक्वाइड mRNA इन देयर पोस्टीरियर पोल एट अर्ली क्लेवेज स्टेज, What would be the phenotype of the resulting embryos? मतलब X embryo कैसा है? Wild type है, उसमें bicoid भी है, nanos भी है, हमें board पे जाने की जरूरत है, बताइए Y में क्या है? Bicoid नहीं है, यानी कि तुम्हें कैसा structure मिलेगा? चलो आ ही जाते हैं board पे। X कैसा है? Wild type है, X का wild type है, और Y कैसा है? Wild type का मतलब acron, head, thorax, एब्डोमेन एंड टेलसन। वाई में कैसा है? बाइक्वाइड डेफिशिएंट है, यानी कि टेलसन, एब्डोमेन एंड टेलसन। और जेड टाइप का एम्ब्रियो कैसा है? जेड नैनोस डेफिशिएंट है, यानी कि एक्रॉन, हेड, थोरेक्स एंड टेलसन, एब्डोमेन नहीं मिलेगा। तो ये तीन एम्ब्रियो दिए हैं और तीनों के पोस्टीरियर साइड पर बाइक्वाइड को डाला गया है। तो अगर पोस्टीरियर साइड पर वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में अगर पोस्टीरियर साइड पर बाइक्वाइड डालोगे तो कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, बताइए। अगर वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में
और अगर वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में, थैंक यू पूनम, बताइए क्वेश्चन बताइए, देखिए अगर वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में पोस्टीरियर साइड पर डालोगे तो कैसा ऑर्गेनिज्म, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, बिल्कुल टू हेडेड ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अब अगर इस वाले एम्ब्रियो पर, अगर इसके पोस्टीरियर साइड पर तुम डालोगे, क्या बाइक्वाइड को डालोगे पोस्टीरियर साइड पर, तो पोस्टीरियर साइड से क्या हो जाएगा, एक्रॉन बनेगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा और एब्डोमेन और टेल्सन इधर आ जाएगा, मतलब उल्टा डेवलपमेंट हो जाएगा। नॉर्मली तो होगा लेकिन कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जेड वाले में जब तुम क्या करोगे, पोस्टीरियर साइड पर क्या डालोगे, बाइक्वाइड डालोगे, तो यहां पर बाइक्वाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, और तुमने पोस्टीरियर साइड पर डाली तो यहां भी वही केस होगा कि टू हेडेड ऑर्गेनिज्म का केस बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म का। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, व्हाइल एम्ब्रियोस वाई एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन पोस्टीरियर साइड ओनली। बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल कल्याणी, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, एम्ब्रियो एक्स एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, वर एम्ब्रियो वाई विल डेवलप हेड ऑन पोस्टीरियर एंड ओली। ये सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, ट्रू, बिल्कुल जिगीशा, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं हाँ सेकेंड ऑप्शन गलत नहीं है पूनम, सही है सेकेंड ऑप्शन, सही है सेकेंड ऑप्शन, सही है सेकेंड ऑप्शन। गलत कैसे है भाई, एक्स और जेड दोनों के केस में तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो ना एक्स के केस में भी तुमको क्या मिल रहा है, दो हेडेड, टू हेडेड ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, जेड के केस में भी टू हेडेड ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, वाई के केस में क्या मिल रहा है, पोस्टीरियर एंड पर तुम्हें हेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पोस्टीरियर एंड। भाई तुमने पोस्टीरियर साइड पर डाला था और ये बाइक्वाइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो था, तो पूरा का पूरा क्या हुआ, पोस्टीरियर साइड पर तुम्हें हेड मिल गया और एंटीरियर साइड पर टेल्सन मिल गया और एब्डोमेन मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। अब एक्स एंड वाई एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन बोथ एंटीरियर वॉज वेल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन एंटीरियर साइड वाई एम्ब्रियो, तो हमने केसेस देख लिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन, डन सेकेंड ऑप्शन। तो बाइक्वाइड मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब हो जाएंगे, बाइक्वाइड मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, अब आने वाले टेस्ट में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक इसमें ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बताइए क्लियर है ये ना, सभी को ये क्लियर है ना, ओके ओके। तो आने वाले टेंस में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स कोडिंग फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इफ इंजेक्टेड एल्स वेयर इन द रेसिपिएंट एम्ब्रियो वुड लीड टू, बताइए बताइए। अगर पूरा सेशन समझ में आ गया है भाई, सब लोग लेक्चर की तारीफ भी इतनी कर रहे हैं, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स कोडिंग फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इफ इंजेक्टेड एल्सवेयर इन द रेसिपिएंट एम्ब्रियो वुड लीड टू नॉर्मल डेवलपमेंट। एंटीरियर स्ट्रक्चर को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, बाइक्वाइड, यहां बात किसकी कर रहे हैं, इन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है लेकिन इन्होंने बात किसकी करी है, एंटीरियर स्ट्रक्चर की, तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, बाइक्वाइड की। पहला नॉर्मल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एक्टोपिक हेड, थर्ड डीजनरेशन एंड फोर्थ अ फीनोटाइप विद टू हेड्स एंड टू टेल्स, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन, वेरी नाइस सेकेंड ऑप्शन। अगर आप बाइक्वाइड कहीं भी डालेंगे एल्सवेयर तो वहां पर क्या होगा, एडिशनल हेड बनेगा, क्योंकि हेड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, बाइक्वाइड, तो इसीलिए इन्होंने इस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन कर दें तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो क्या, अगर यहीं पर पोस्टीरियर की बात कर देते तो पोस्टीरियर के केस की बात कर देते तो हम नैनोस की बात करें, फिर उसके बेसिस पे इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी जो है वो अलग हो जाते, डन।
तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, अच्छा बिफोर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से रिलेटेड कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे स्पेसिफाई होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जिन्होंने जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा दें। अभी बंद हो गया रजिस्ट्रेशन, अब नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन, अच्छा मुझे अगर रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है, चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ड्रोसोफिला में ही नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की बात करेंगे, और अगर टाइम मिला तो जितने भी जीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जीन्स का जो लेक्चर होगा वो अलग से लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।